क्या हुआ इनको? सर इसको कम से कम 6 महीने से राइट साइड पूरा वीकनेस हो गया। कितने कितने महीने से? लगभग 6 महीने से पूरा राइट साइड पूरा वीकनेस है, और जो बात करते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। कौन सा हाथ ज्यादा यूज करते हैं? ये पहले से राइट हैंडेड है। पहले से राइट। नाम क्या है आपका? नाम कर नाम है अच्छे से बता सकता मैं, पूरा पूरा अच्छे से सब बोलता हूँ, सब कोई उसमें दिक्कत नहीं होता मेरे को। चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है चलने में, दिक्कत कुछ नहीं है। वैसे सब घर का काम वगैरह घूमता हूँ घर में, ठीक है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। कहाँ पे रहते हो? एड्रेस क्या? वो उधर है ना अपना टार में जाते हम, तो टार में जाते हैं, वहाँ पे बड़ा एरिया है, पूरा बड़ा एरिया, लोग आना जाना सब सही रहता है, बिल्डिंग वगैरह है वहाँ पे, और वहाँ पे टार है, वहाँ पे बीच में ऐसे जैसे रहता है ना अपना, बहुत सारे जो वो जो बैठने का रहता है ना, बहुत जगह पूरा बैठने का रहता है वहाँ पे, पूरा बैठते हैं, और उधर से लाइट आता है, वो लाइट आता है, वो सामने रहता है पर्दा सब, वो बैठने का रहता है वहां पे, जो बैठते हैं वो उधर उधर वहां पे सब उधर। ये क्या है? ये दरवाजा पे, वो दरवाजे पे इसको लगा, दरवाजे पे लगाते ना इसको, ताला बोलते हैं इसको। हाँ ताला 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 है ताला। ये क्या है? पेन 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 पेन। मैं जो बोलूंगा आपको वो दोहराना है आपको। मैं वर्धा में रहता हूँ, रहता हूँ, बताया मैंने पूरा, वहां पे सब वैसे ही रहता है सब, तो बिल्कुल तो। ये कागज पे कुछ लिखा है आपको पढ़ना है। पेन पेन में लिखा है, पेन में लिखा है। As we examine the right-handed patient, patient is having right hemiparesis. In right hemiparesis, left dominant lobe is involved. And speech area is present in left dominant lobe, so we are examining for the speech in this patient. In this patient, fluency is intact. Patient using grammar correctly. In patient, comprehension is impaired. Whatever we are speaking to patient is not able to understand. Whatever he is speaking to us, we are not able to understand. Patient is using paraphrasic words. He is substituting simple sentences, words like pen for pen, baithna hai for chair. He could not able to name simple objects. He is not able to repeat the simple phrases. Patient is not able to repeat the simple phrases, and patient is not able to read the instruction written on the paper. To summarize this speech disorder.